बहुजन द्रविड़ पार्टी बहुजन समाज को एक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी के चलते 17 सितंबर 2022 को द्रविड़ दिवस के अवसर पर काशीराम द्वादियों का मिलन समारोह का आयोजन कर रही है। इसी संदर्भ में बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश कुमार गौतम ने XMT न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में इस समारोह के बारे में बताया जो कि दिल्ली में होने जा रहा है और देश के कोने कोने से तमाम काशीराम को मानने वाले इस समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस साक्षात्कार के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। दिल्ली में 17 सितंबर को पेरियर साहब की जयंती मनाई जा रही है। इसी को लेकर इस जयंती में जो दिवस मनाया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है, क्या करने वाले हैं, इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज द्रविड़ पार्टी के हमारे साथ महासचिव मौजूद हैं दिनेश कुमार गौतम जी। आइए उनसे जानते हैं इस दिवस का क्या उद्देश्य है और क्या करने वाले हैं उस दिन। तो बताइए दिनेश जी। मैं दिनेश कुमार गौतम, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन द्रविड़ पार्टी। 17 सितंबर को हम लोग दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है पार्लियामेंट के पास ही, उस पर 10 बजे से 5 बजे तक का हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसा कि आप लोग पूरा देश जानता है, पेरियर ई वी रामास्वामी नायकर साहब को भारत का सुकरात कहा जाता है। पेरियर ई वी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन चलाया जिसे द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता है। बेसिकली द्रविड़ जो है हमारे उत्तर भारत की ही सिंधु घाटी की सभ्यता से एक लिया हुआ नाम है, लेकिन वो जो द्रविड़ लोग हैं वो ज़्यादातर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं रहते हैं। ये आंदोलन द्रविड़ों के लिए पेरियर साहब ने चलाया, सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पेरियर साहब को पूरे देश और बल्कि दुनिया के लोग एक बहुत ही अच्छे महापुरुष के रूप में, एक स्वतंत्र महापुरुष के रूप में मानते हैं। हम भी उनका बहुत बेहद सम्मान करते हैं। बहुजन द्रविड़ पार्टी नाम भी अपने आप में ये बता रहा है कि मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन है वो उत्तर भारत का आंदोलन ज़्यादातर कहा गया है, वैसे उन्होंने पूरे देश में काम किया है। तो बहुजन आंदोलन मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन है, द्रविड़ आंदोलन पेरियर रामास्वामी नायकर साहब का आंदोलन है। तो हम लोग बहुजन द्रविड़ पार्टी जो चला रहे हैं, जिसमें मान्यवर काशीराम साहब और पेरियर साहब का जो आंदोलन है, उस आंदोलन का जो मूल उद्देश्य है वो हमारी पार्टी में निहित है। तो हम लोग पेरियर साहब की जयंती है 144वीं जयंती पर द्रविड़ दिवस पर काशीराम साहब के मूवमेंट को चलाने वाले और आगे बढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं इस देश भर के, खासकर लगभग 15 राज्यों के लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठे हो रहे हैं और हमने उनको कांशीराम वादियों का मिलन 2022 ये नाम दिया है। पेरियर साहब की 144वीं जयंती द्रविड़ दिवस पर जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है पेरियर साहब की जयंती के उपलक्ष में, उसको हमने कांशीराम वादियों का मिलन 2022 नाम दे करके हमने पूरे देश भर के जो कांशीराम वादी हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब को मानने और जानने वाले लोग हैं, उनके मिशन मूवमेंट पर काम करने वाले लोग हैं जो देश भर में अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, तो हमने उन सबको इकट्ठा किया है क्योंकि कांशीराम साहब की आंदोलन को अब पुनर्जीवित करना बेहद ज़रूरी हो गया है। क्योंकि उनकी बनाई हुई जो पार्टी है वो मनवादियों के द्वारा और मनवादी दलालों के द्वारा वो एक तरीके से नेस्तनाभूत कर दी गई है, उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। तो हम लोग भी उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक हैं कि जो मान्यवर कांशीराम साहब ने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को हमें चलना है और जो हमारी आने वाली जो आगे की पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन करना है। तो हमें सारे देश भर के जो कांशीराम वादी हैं उन्हें इकट्ठा करके इस आंदोलन के माध्यम से और पेरियर साहब की जयंती के माध्यम से मनुवाद ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक आंदोलन का आगाज हम लोग करने जा रहे हैं 17 सितंबर से। जैसे कि आपने अभी बोला कि जो उनकी पार्टी काशीराम जी की पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, तो वो मनुवादी हो गई है, ब्राह्मणवादी तरीके से हो गई है, तो आपका निशाना सीधे बसपा पर जा रहा है, इस तरीके से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, निशाना जैसे नहीं कहते, पूरा देश जानता है कि जो
पार्टी जिन हाथों में आजकल है वो मनवादी व्यवस्था को ढो रही है। और हम लोग भाजपा के लिए भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम किसी के लिए नहीं, क्या कहेंगे, अपना ही दाम खोटा तो परखन आरे का दोष। तो हमें किसी दूसरे को दोष नहीं देना, हमें अपने को ही दोष देना है। मान्यवर की बनाई हुई पार्टी गलत हाथों में चली गई है और वो गलत हाथ जो है मनुवाद को ढो रहे हैं। इसलिए मान्यवर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज को एक नया नेतृत्व और नया विकल्प दे करके पूरे देश में आंदोलन को खड़ा करें, पुनर्जीवित करें, एक नई दिशा दें। तो वो हम लोग अपना काम कर रहे हैं और पैरियर साहब की जयंती से कांशीराम वादियों का मिलन 2022 के माध्यम से जो एक आयोजन होने जा रहा है, यहाँ से मनुवाद ब्राह्मणवाद को खदेड़ने के लिए, मनुवाद ब्राह्मणवाद के विरुद्ध युद्ध का आगाज हम लोग करेंगे।